नमस्कार, आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष कार्यक्रमों के असली योद्धा की। साल 1957 अक्टूबर महीने के शुरुआती दिन रूस ने दुनिया के पहले उपग्रह स्पुतनिक को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित कर पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया था। रूस के लिए स्पुतनिक का निर्माण और उसकी लॉन्चिंग अमेरिका से होड़ का नतीजा थी। अमेरिका भी रूस पर बढ़त बनाने के लिए अपने अंतरिक्ष अभियानों पर भारी निवेश कर रहा था। वहीं भारत नया आजाद हुआ मुल्क था, जिसके पास संसाधनों की तो भारी कमी थी, लेकिन उसके पास उस समय शायद दुनिया का सबसे दूरदर्शी नेता था, जिसका परिणाम हुआ कि अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में नौसिखिया अनाड़ी समझे जाने वाला भारत कुछ ही सालों के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गया। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण याद दिला दूं कि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो हमारे दूरदर्शी संविधान रचयिताओं ने मौलिक कर्तव्यों में कोट वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें अनकोट संविधान में सम्मिलित किया था। ये एक प्रगतिशील नेतृत्व की पहचान थी। एक अच्छा नेता उसे माना जाता है जो देश की तरक्की के लिए हर मोर्चे पर विशेषज्ञों की फौज तैयार कर ले। नेहरू जी को आने वाले वक्त की सटीक पहचान थी, सो उन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर काम करने का मन बना लिया, जबकि भारत से अधिक कई संपन्न देशों ने इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। नेहरू जी ने 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकॉस पर बना दी और इसकी कमान थमाई धुरंधर वैज्ञानिक विक्रम साराभाई को। यही इनकॉस पर बाद में इसरो बन गया, जिसके नाम आज दुनिया की नामचीन उपलब्धियां दर्ज हैं। जब नेहरू जी ने इन कॉस्पर की नींव रखी थी तो देश के भीतर बाहर यह सवाल भी उठा कि भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के विकास पर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। लेकिन नेहरू जी अंतरिक्ष कार्यक्रमों के महत्व को बखूबी समझते थे। नेहरू जी ने साराभाई को खर्च पर सोचने से मना कर काम पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया। साराभाई भी अब जल्द से जल्द भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते थे। जल्द ही सबके प्रयासों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक साल बाद यानी साल 1963 में साराभाई ने साथी वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा का सहयोग लेकर केरल के थुम्बा से पहला प्रायोगिक रॉकेट छोड़ा। हालांकि यह अमेरिका में बना रॉकेट था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने 4 साल के भीतर ही देसी रॉकेट बनाने में कामयाबी हासिल की। इस बीच में एक ऐसी घटना भी हुई जिससे देश को भारी धक्का लगा था। दरअसल जनवरी 1966 में साराभाई के अंतरिक्ष सहयोगी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का विमान स्विट्जरलैंड में क्रैश हो गया। कहा जाता है कि कई विकसित देश भारत को परमाणु शक्ति संपन्न होते नहीं देखना चाहते थे और शायद किसी बाह्य साजिश के तहत हवाई जहाज को क्रैश करवाया गया था। ऐसे समय में सरकार और पूरी देश की उम्मीदें विक्रम साराभाई से और अधिक बढ़ गईं। लंबे प्रयास के बाद 20 नवंबर 1967 को थुम्बा से भारत पहला निर्मित रॉकेट रोहिणी छोड़ा गया। इस परीक्षण के साथ ही अब भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। उसके बाद आया साल 1975। 19 अप्रैल को भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेश में विकसित पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। यह इसरो के लिए एक लंबे सफर का पहला कदम माना जाता है। देश के इस पहले उपग्रह का नाम भारत के मशहूर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुना था। वैसे तो इसका जीवन 6 महीने ही निर्धारित था, लेकिन यह मार्च 1981 यानी करीब 6 वर्षों तक देश के संपर्क में था। वक्त के साथ भारत के लहराते परचम को पूरी दुनिया देख रही थी। 2 अप्रैल 1984 को भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की दुनिया में अपना कदम रखा। शर्मा ने अंतरिक्ष में 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए। इस दौरान उन्होंने अपने रिसर्च के दौरान बायोमेडिसिन और रिमोट सेंसिंग को लेकर 43 प्रैक्टिकल सेशन भी किए। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान लॉन्च किया, जो 30 अगस्त 2009 तक चंद्रमा के चक्कर लगाता रहा।
यही चंद्रयान ने चांद पर पानी की खोज की। यह इतनी बड़ी खोज थी कि पूरी दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों की शोहरतें बढ़ गईं। अंतरिक्ष में भारत को नई पहचान दिलाने वाला मंगलयान मिशन और चंद्रयान मिशन को मनमोहन सिंह ने ही मंजूरी दी थी। शुरुआत में चंद्रयान 1 भारत और रूस का एक संयुक्त मिशन था, लेकिन 2012 में इसरो ने इस मिशन को अकेले अंजाम देने का फैसला किया और इसी साल मनमोहन सिंह ने मंगल मिशन की घोषणा की थी। 2014 में भारत ने अपने पहले ही प्रयास और बेहद कम खर्चे के साथ मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचाने में सफलता हासिल की। 1994 में पहली सफल लॉन्चिंग के बाद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV भारत का सबसे बेहतरीन लॉन्च व्हीकल बन गया। जून 2017 तक इसने लगातार 39 सफल मिशनों को अंजाम दिया। 1 जुलाई 2022 तक PSLV के जरिए लॉन्च 55 मिशनों में 52 मिशन सफल रहे। भारत ने अब तक अंतरिक्ष क्षेत्र में जो काम किए हैं उनके बल पर अंतरिक्ष की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हमारी 2% हिस्सेदारी है। आज अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के नाम एक से एक बढ़कर रिकॉर्ड दर्ज है। इसरो ने अब तक 116 सफल मिशन पूर्ण किए हैं। आपने कभी सोचा ये सब कैसे संभव हुआ? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भारत को आज़ादी मिलने के साथ ही एक दूरदर्शी नेता मिला जिसने अपने विजन की बदौलत भारत को दुनिया के शीर्ष देशों में शुमार किया। भारत के साथ और कई देश आज़ाद हुए लेकिन कोई भारत के टक्कर का नहीं हुआ। नमस्कार।